हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं डॉक्टर राहुल, वेटनरी फिजियन सर्जन एंड पेट कंसल्टेंट, और डॉक्टर राहुल पेट केयर सीरीज में आपको बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, काफी दिनों से हमने काफी वीडियो नहीं डाली, हम काफी ज्यादा बिजी चल रहे थे, लेकिन आपको अभी नेक्स्ट टाइम से आपको रेगुलर वीडियो यहाँ पर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, हमें काफी लोगों की कॉमेंट्स आ रहे थे कि सर, जो डिस्टेंपर होता है, डिस्टेंपर होने के बाद हमें डॉग को हम पहचान नहीं पाते कि डायरेक्टली हमें लास्ट जो डिस्टेंपर जो होती है वही हमें पता चलता है। तो डिस्टेंपर में सिम्टम्स कौन से होते हैं इनिशियल स्टेज में, और उसके ऊपर ट्रीटमेंट हमें किस तरह से करवानी है, इसके बारे में ये वीडियो होने वाला। तो फ्रेंड्स, बनने वाला लास्ट तक चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने को। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, डिस्टेंपर जो डिसीज होता है, ये डिसीज जो है ये डॉग का सबसे डेडली डिसीज है। सबसे ज्यादा इंडिया में जान इसी वजह से जाती है क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है। ठीक है, अगर आपने डॉग को वैक्सीन अगर नहीं किया है तो ये बहुत ही ज़्यादा फेटल हो सकता है। तो देखिए, इनिशियल स्टेज में क्या होता है, हल्का सा डॉग को कफिंग चालू हो जाती है, स्नीजिंग चालू हो जाती है, डॉग को हल्का सा फीवर रहता है, तो हमें पता ही नहीं चलता है स्टार्टिंग में, तो डॉग इसे बियर भी कर लेते। लेकिन ये फेज जब 7 दिन के बाद नेक्स्ट जो फेज आता है, तो उसके ऊपर डॉग काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, डॉग को फीवर स्टेज में बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो होते हैं डिसीज के, इसमें आँख में कीचड़ बहुत ज़्यादा आता है, ये वॉटरी हो सकता है, उसके बाद ये येलोइश कलर का डिस्चार्ज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद नोज जो होती है, नोज में से भी पानी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद सेकंड जो थिंग इसमें आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, डॉग को सीजर रहना यहाँ पर चल हो जाता है, यानी विगरस लिक की शेकिंग होती है। उसका चिंगम फिट्स, यानी दांत का खट 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 करके इस तरह से दांत में भी यहाँ पर चिंगम फिट्स आना चालू हो जाती है। पैर जो होते हैं, आगे के पैर, पीछे के पैर यहाँ पर हिलना चालू हो जाते हैं, और डॉग को बहुत ही बुरा सीजर आता है। सीजर के एपिसोड्स कभी कभी इतने ज़्यादा होते हैं कि आपके डॉग को 15-15 मिनट में सीजर भी यहाँ पर आना चालू हो जाते हैं। उसके बाद फिर ध्यान में रखिए, यहाँ पर सिम्टोमेटिकल जब देखते हैं, कभी कभी डॉग को डायरिया काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, और यहाँ पर वोमिटिंग भी हो जाती है, तो हम यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर डॉग को कहीं पारो का इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए, डॉग को अगर आपको डिस्टेंपर हुआ है, तो आपको यहाँ पर एक किट आती है, सिंपल से जिस तरह से हम प्रेगनेंसी किट आती है, उस तरह से आप इसके किट से इजीली आपके डॉग को डिस्टेंपर हुआ है कि नहीं, इजीली पता चल सकता है। उसके बाद डॉग में सिम्टम जिस तरह से होते हैं, उस तरह से हमें ट्रीटमेंट करवानी है। घर के घर में हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट किस तरह से करवानी है, इसका हमने सेपरेट डेडिकेट वीडियो बनाई, आप ये जाके देख सकते हैं। छोटे पपीज में आपको कैसे ट्रीटमेंट करवानी है, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो जाके देख सकते हैं। उसके बाद डॉग के यहाँ पर डिस्टेंपर होने के बाद आपको कौन सा फूड खिलाना चाहिए ताकि आपके रिकवरी यहाँ पर बहुत जल्दी फास्ट हो, इसके बारे में डेडिकेट वीडियो बनाई। तो जनरल देखिए, डिस्टेंपर ऐसा डिसीज है, इसके बारे में जितनी ज़्यादा आप जानकारी लोगे, उससे आपको ये डिसीज से बहुत ही अच्छी तरह से फाइट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, की सारी वीडियो की सीरीज जो है हमने यहाँ पर बनाई है, आप वो जाके देख सकते हैं। डिस्टेंपर से अगर आपको डॉग को बचाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वैक्सीनेशन, इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जनरली 6 महीने का डॉग जब होता है, उस टाइम डिस्टेंपर लग जाता है, और आपने ठीक तरह से डॉग की कंटिन्यू जो वैक्सीन जो होती है, जो आपको 45 डेज पे बिल्कुल लगवानी है, और उसके बाद 3-4 शॉट्स आपको कंटिन्यू वैक्सीन के बूस्टर डोज में करवा लेने, तो डॉग को प्रोटेक्शन यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आता है। दूसरी चीज़, आपको पपीज को आपको बिल्कुल भी, जब तक वैक्सीनेशन शेड्यूल होता नहीं है, तब तक आपको बाहर पपीज को एक्सपोज यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपके पास कैनल्स है, आप मल्टीपल डॉग्स रहते हैं, आपके पास 10-12 डॉग्स है, 4-5 डॉग अगर आपके पास है, तो आपको डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल बिल्कुल फॉलो कीजिए। क्लीनिनेस के लिए डाइडिसल, डाइमिथाइल अमोनियोक्लोराइड्स आते हैं, या फिर आप वहाँ पर जो डिफरेंट डिसइंफेक्शन होते हैं, जो हम घर में जो यूज़ करते हैं, वहाँ यूज़ करने की बिल्कुल यहाँ पर कोशिश कीजिए, और डॉग को, आपके बाहर के डॉग को यहाँ पर ज़्यादा कॉन्टैक्ट में मत करें। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके कैसे लगे, इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी, हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके पेट की छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम है, तो इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पेट की कुछ प्रॉब्लम है जो काफी दिन से सॉल्व नहीं हो पा रही है, या फिर आप किसी सेकेंडरी ओपिनियन के देख रहे हो, तो नीचे दिए नंबर पर आप हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज कीजिए, यहाँ पर हमें वीडियो भेजिए, फोटो शेयर कीजिए, तो इसके बाद इस तरह से हम यहाँ क्यू आर कोड भेजेंगे, वो स्कैन करके आपको वहाँ पर हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस पेड करनी है। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हम देखेंगे आपके पेट की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे से फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाएगी, और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है, हम घर बैठे यहाँ से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे, जो यूज करने के बाद आपके पेट की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।